बुलंदशहर के बीबीनगर क्षेत्र के गांव खरकाली में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ दलीप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार दो सगे भाई गौरव त्यागी और सौरव त्यागी ट्रैक्टर में धान लेकर बेचने के लिए मंडी जा रहे थे। दोनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के उपेंद्र त्यागी ने गांव में ही रास्ते में गुजरने को लेकर मारपीट करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। घटना में दोनों भाई घायल हो गए। दूसरे पक्ष के उपेंद्र त्यागी ने बताया कि गांव में ही एक पक्ष ने घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें उपेंद्र भी घायल हुआ है। संघर्ष में घायल हुए दोनों भाई गौरव और सौरव त्यागी ने बताया कि उपेंद्र रिटायर फौजी है और उसने दोनों भाइयों के ऊपर गोलियां चलाई हैं और वह अपने परिवार के साथ गांव में ही रहता है। वहीं गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। सीओ दलीप सिंह व थाना प्रभारी संजेश कुमार भारी पुलिस बल को लेकर मौके पर है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। कहाँ के रहने वाले हो? घर का के लिए यहाँ पर। अच्छा, क्या मामला हुआ है? सुबह जो गोली वोली लगी है, कौन था जिसके गोली लगी है आपका? सौरभ है, मेरा बेटा। अच्छा, क्या मामला हुआ है? छोटा बेटा मुंजी बरसाने जा रहे। अब दोनों ही है तो दोनों से ही इलाज हुआ। इलाज के यार बस वे नुका बड़े ने नुका इनका आज का जा रहेंगे, कोई आज निकाल लिया अपना निकाट रहे थे। बोला नु के आज ही क्यों निकालो। अब बस यू हुआ ने फिर बोली मार दी कही यही मैं तो हाँ ही ना मेरे तो बाल है। रघुराज त्यागी है। कौन से गांव के रहने वाले हैं? खरकाली। क्या मामला हुआ? बस ये सवेरे मूंजी लेने जा रहे, ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ रखी। अब जैसे ही मंदिर है वहाँ तो उस पर खरंजा तो ऐसे ही लगा हुआ जैसा और लगाया है, पर ये नहीं कहें जी हमारा प्राइवेट खरंजा, हम उस पर उधार है। इनने ट्रैक्टर के ना रुकी रुकी हम ये दो बार लगे, ये रुक गए। मुझे भैया कागज को वहाँ कर कैसा आया? इन्होंने कही कि अब निकल जाएंगे, फिर आगे को निकलने के बुग्गी धो रही जी, उसमें से निकाला खलवा धैर्य देने से मारा। इन्होंने भी एक दो हेप्टा उसका मारा, उल्टा खोल दिया जी, भीतर गया भाग के। और वो काली सी रिवाल्वर कहें एकदम पिस्टल कहें जी, उसे फीता था पड़ रहा। और आया भाग कर धैर्य देने से गोली मारी जी। हम तो ट्रैक्टर भी वहीं खड़ा मारा था और हम तो भाग कर थाने में आए गए। कितने लोग घायल हैं? दो तीन है जी, एक तो उनके मायसू दो मारी मायसू हैं। आपने सूचना पुलिस को दे दी? हाँ जी, उन्होंने ही भेजे जी। हाँ, थाना बीबी नगर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट की गई और फिर एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में सौरभ नाम का व्यक्ति जो है वो उसको गोली लगी, जिसे तत्काल जो है CSC हॉस्पिटल शियाना में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। मौके पर मेरे द्वारा CSC हॉस्पिटल में सौरभ से पूछताछ की गई। उसने बताया कि रास्ते को लेकर विवाद में सोनू नामक व्यक्ति जो रिटायर्ड फौजी है उसने फायरिंग कर दी, जिसको फायर आर्म इंजरी है वो अब खतरे से बाहर है। इसके अलावा जो रिटायर्ड फौजी है उसको भी चोटें आई हैं और तीन व्यक्तियों को जिला हॉस्पिटल जो है इस संबंध में रेफर किया गया है। मौके पे मेरे द्वारा मुआयना किया गया है, तहरीरी सूचना प्राप्त कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। कोई पुरानी राजनीति बताई जा रही है? ये जो रास्ते को लेकर विवाद था, ये रास्ता जो है वो सोनू रिटायर्ड फौजी के घर के रास्ते से होकर जाता है, जिसपे इसके द्वारा आने जाने को लेकर आपत्ति की गई। पहले से इन दोनों पक्षों में कोई रंजिश की बात प्रकाश में नहीं आई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।